बिहार सरकार आपदा पीड़ितों के लिए कार्य कर रही है और सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। ये बातें मुख्यमंत्री भागलपुर पहुंचने के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ माइनर इरिगेशन के सचिव भी आए हुए हैं, हर एक समस्या को देखा गया है। रोज भागलपुर सहित पूरे प्रदेश के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की जानकारी लेकर तत्काल इसको दुरुस्त करने को लेकर गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने सालाना अंदाज में कहा, जी सब कुछ दिया है, देख लिया है नौगछिया। इससे पूर्व भी बाढ़ का जायजा लेने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपये प्रति परिवार के अलावे शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों को ठहरने, भोजन और इलाज की व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही शिविर में किसी भी गर्भवती महिला को पुत्र होने पर 10,000 रुपये और पुत्री होने पर 15,000 रुपये सहायता राशि भी दिए जाने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ को लेकर स्थायी समाधान के उपाय ढूंढने की भी बात कही। इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी सेक्रेटरी साथ, और आप जानते हैं एक एक राउंड देखते हैं, हर जगह हर चीज की समस्या को देखा गया है और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या करना चाहिए तत्काल इसके बारे में भी गाइडलाइन देते हैं। ये सब कुछ दिया है, देख लिया, और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे बराबर, यहाँ पर कुछ बनाया एक एक बात कहा गया और अभी प्रभावित सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाए, हर तरह से उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़ को रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, लोगों के किसी भी प्रकार की दिक्कत लगाने नहीं दिया जा रहा है सर। अगर महिलाएं हैं उनको बच्चा होने वाला है उसका भी ध्यान रखें, और अगर बेटा होता है तो 10,000, अब बेटी होती है तो 15,000। तो जानते हैं शुरू से लोग सहायता भी करते हैं, और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते हैं। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं, और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए हम लोग को अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है, इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए, प्रोटेक्शन का कि पानी अंदर जाए, इसके लिए भी सब कुछ कहा गया करने का। और ये इलाके का तो आप जानते हैं, तो कई बार आगे तो इसका हल जल्दी से जल्दी लोगों की व्यवस्था ऐसी स्थायी समाधान सर होगा बाढ़ से जो निश्चित रूप से करने का निश्चित रूप से। पकरा इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री गोपालपुर के उच्च विद्यालय मकनपुर में चलाए जा रहे बाढ़ पीड़ित शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ भागलपुर के सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इससे पूर्व भागलपुर के नौगछिया के बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने मुख्यमंत्री मंगलवार की दोपहर हेलीकॉप्टर से इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नौगछिया पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पकरा स्थित रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य शिविर, बच्चों के लिए बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। नौगछिया के पकरा स्थित इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए बाढ़ पीड़ित शिविर में उस समय अधिकारियों के बीच हड़कंप का माहौल बन गया,
जब मुख्यमंत्री के सामने एक महिला जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य और राहत शिविर की पोल खोलते हुए घंटों खुद को भूखा रहने और परिवार के अन्य लोगों को बाढ़ के पानी में फंसे होने के बाद जोर जोर से कहने लगी। इस दौरान महिला अपना दुख बयान करते करते रोने भी लगी। बाढ़ पीड़ित महिला चांदनी देवी ने बताया कि उसका घर जलमग्न हो चुका है। घर में पिछले 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, जिस कारण वो 3 दिनों से भूखी है। बाढ़ राहत शिविर में भी सुबह 8 बजे पहुंची तो भोजन की आस में टकटकी लगाए बैठी है, लेकिन उन्हें अभी तक खाना नहीं मिला है। घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है। उनके पति सूरदास और मानसिक रूप से परेशान पुत्र, पुत्री एवं दामाद बाढ़ के पानी में घर में ही फंसे हुए हैं। वहां से उन्हें निकालने वाला कोई नहीं है। महिला के बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता पूर्वक सुना और संज्ञान लेते हुए मौके पर मौजूद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर महिला के परिजन सहित बाढ़ में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का निर्देश दिया। इसके बाद नवगछिया के अंचलाधिकारी अपने वाहन पर महिला को बिठाकर रेस्क्यू टीम के साथ उनके घर के लिए रवाना हुए। इस पूरे प्रकरण में महिला ने सीएम के समक्ष अधिकारियों की ऑल इज वेल वाली दावों की पोल खोल दी। विकास का प्रायोरिटी नहीं चिकन को बोलता। भागलपुर में बाढ़ के पानी से ट्रेन की आवाजाही पर रोक लग गई है। भागलपुर से कहलगांव रेलखंड पर सबौर के आगे एवं ममलखा रेलवे स्टेशन के बीच पटरी धंस गई है। पटरी के नीचे से बाढ़ का पानी बहने लगा है। नतीजा भागलपुर का रेल संपर्क से बांका और दुमका रेलखंड के माध्यम से हो पा रहा है। उस रेल रूट पर कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और कई ट्रेनों के रूट में तब्दीली की गई है। वहीं बिना जानकारी के स्टेशन पहुंच रहे यात्री परेशान हो रहे हैं। DRM यतेंद्र कुमार ने कहा कि हालात सामान्य होने तक जमालपुर हावड़ा सुपर जो भागलपुर से कहलगांव के रास्ते जानी थी वो अब दुमका रामपुर हाट के रास्ते हावड़ा जाएगी। हावड़ा से वापसी भी इसी रूट होकर भागलपुर आएगी। भागलपुर से रांची जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस दुमका रामपुर के रास्ते ही रांची तक चलेगी। DRM ने बताया कि मालदा आनंद विहार एक्सप्रेस कटिहार बरौनी पटना के रास्ते चलेगी, यानी यह ट्रेन भागलपुर नहीं आएगी। मालदा नई दिल्ली एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस और भागलपुर जयनगर रद्द कर दी गई है। वहीं गुड्डा हमसफर विक्रमशिला गरीब रथ सूरत दादर एक्सप्रेस बांका के रास्ते चलाने का निर्णय लिया गया है। उधर ट्रेनें कैंसिल और डाइवर्ट होने के बाद भागलपुर सहित कई स्टेशनों में पूछताछ और आरक्षण काउंटर पर यात्रियों की भीड़ रही। मालदा के सीनियर DSM पवन कुमार ने कहा कि बाढ़ से कैंसिल या रूट डाइवर्ट होने के बाद जिन यात्रियों का यात्रा प्रभावित हुआ है उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि उनकी यात्रा रद्द होने की वजह ट्रेनों का रिजर्वेशन वाले स्टेशन होकर नहीं चलना है। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे ट्रेन ही खुलने वाली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बहुत। कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है और यहाँ पे बाढ़ के कारण देखते हैं बहुत सा ट्रेन बंद है। कहलगांव जाना था, एक भी ट्रेन नहीं है। कोई सूचना ही नहीं दे रहा हम लोग को, बोलता है कोई ट्रेन नहीं है। कहाँ जाना था? साहिबगंज के लिए। कहाँ जाना था? साहिबगंज। परेशानी है, मुझे घर जाना है। कहाँ जाना था? कहलगांव जाना है। क्या हुआ यहाँ? यहाँ बता रहा है कि गाड़ी कोई नहीं है। नौगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमारी की कार्यशैली से नाराज गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने इसकी शिकायत नौगछिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हुए BDO को राजद का एजेंट करार दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और जिले के वरीय अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच कराए जाने की बात कही। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि नौगछिया BDO राजद के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, साथ ही राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। गोपाल मंडल ने यहां तक कहा कि वे ही कुंदन कुमार यादव को नौगछिया BDO बनाकर लाए थे, लेकिन आजकल वे उनके और बिहार सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। नौगछिया के कुंदन प्रसाद यादव जी क्या काजे BDO? अब जानिएगा किस पार्टी का लोग होगा। वो सरकार को नहीं देखते हुए कोई भोजन का व्यवस्था नहीं और यहाँ से रिएक्शन होके मतलब रिवोल्ट कर गए पब्लिक लोग चले गए। प्रशासनिक पदाधिकारी भी हो पार्टी के होने लगे विधायक जी। खूब होता है तो खाटी यादवों की बैठक करती क्या बात करते हैं। RJD का बैठक करता है, हमारा ही लाया गया है। एक बार भगा दिए थे फिर लाए। ईमानदारी पूर्वक चलिएगा ना, अब हम ही से टक्कर देने लगा।
अब पब्लिक को यहाँ पर मैंने खोज खोज के भेजा, 300 करीबन पब्लिक, और उसको भोजन नहीं, और यहाँ से रिएक्शन हो गया, गाली गलौज हमको बकते हुए चले गए। वहीं इस पूरे प्रकरण पर पलटवार करते हुए नौगछिया बीडीओ कुंदन कुमार ने कहा कि अगर विधायक के पास कोई भी साक्ष्य हो जिसमें मेरे द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने की बात हो तो उसे सार्वजनिक करे। बीडीओ ने कहा कि मेरी कार्यशैली किसी भी पार्टी विशेष के हित में काम करने या उसकी विचारधारा पर चलने की नहीं है। बीडीओ ने कहा कि यह गलत आरोप है, उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है जो विधायक की मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही गोपाल मंडल के द्वारा नौगछिया लाए जाने के सवाल पर नो कमेंट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उन्हें भेजा गया है और सरकार जहां चाहेगी वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ वहां करेंगे। ठीक है, माननीय विधायक जी के पास अगर इस तरह का कोई भी साक्ष्य हो, चाहे जिस रूप में वो साक्ष्य उनके पास, तो वो पेश करें, वो साबित करें कि मैं राजद का कार्यकर्ता हूँ या राजद के पक्ष में काम करता हूँ, मैं शुरू से नौकरी कर मैं हमारी ये प्रवृत्ति रही है या हमारा ये उद्देश्य रहा है या हमारी कार्यशैली रही है कि मैं किसी भी पार्टी विशेष की तरफ कोई काम झुक कर नहीं करता हूँ या किसी भी पार्टी की विचारधारा से मेरा कोई मतलब नहीं है। हम सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हम हमेशा संवेदनशील रहते हैं और उसी के लिए चिंतित रहते हैं, जनता के लिए। हम राजनेता नहीं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये गलत बात है, हम ऐसे पद पर हैं जहाँ पर हमारा सबसे मिलना जुलना होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, हमारा काम है सबसे मिलना जुलना, सबकी बात सुनना। अब वो किस पार्टी से किस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं, हमको उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। भागलपुर के दियारा क्षेत्र को गंगा ने पूरी तरह से अपने आगोश में समा लिया है, जिसके बाद सभी बाढ़ पीड़ित जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत शिविर पहुंच चुके हैं। जिले के हवाई अड्डा परिसर में राहत शिविर के साथ सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। यहां पर नारायणपुर प्रखंड और नाथनगर प्रखंड के दियारा इलाके के बाढ़ पीड़ितों ने शरण लिया है। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे 750 से अधिक परिवार के लोगों को दो समय भरपेट भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जब हम हवाई अड्डा स्थित सामुदायिक किचन पहुंचे तो देखा सुव्यवस्थित तरीके से बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया जा रहा है। भोजन कर रहे लोगों ने कहा कि दोनों समय भरपेट भोजन मिलता है, भोजन से सभी खुश दिखे। गोराडीह के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि दिन में 10 से 2 बजे और रात में 7 से 10 बजे तक खाना मिलता है, किसी को भूखा रहने नहीं दिया जाता। सब चीज का व्यवस्था है, खाने पीने का, रहने का, सब चीज का व्यवस्था है। दो टाइम मिलता है खाना। क्या क्या मिलता है? चावल दाल, दोनों बेरा चावल दाल मिलता है। सब्जी नहीं मिले? सब्जी मिलता है कि? सब चीज का व्यवस्था है। क्या क्या है? खाना पीना और रहना। खाना पीना और रहने का व्यवस्था। कई टाइम भोजन मिल रहा है? दो टाइम मिल रहा है, दो टाइम। क्या क्या? चावल दाल सब्जी और की कैसे नाश्ता। भागलपुर के नवछिया पकड़ा स्थित रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाया गया है, जहां जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व पकड़ा स्थित राहत शिविर के मुख्य गेट को बाढ़ पीड़ितों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे दर्जनों बाढ़ पीड़ित मुख्य गेट पर जमा होकर हंगामा करने लगे। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि वह सभी पिछले 2 दिनों से भूखे और प्यासे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और वे सभी 2 घंटे से गेट पर खड़े हैं और उन्हें भोजन के लिए अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन खुद कर रहे हैं। वहीं हंगामा होता देख नौगछिया बीडीओ कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद भागलपुर से कहलगांव और पीरपैंती को जोड़ने वाले मुख्य सड़क पथ NH80 पर कई जगह बाढ़ का पानी सड़कों पर काफी तीव्र तेज गति से प्रवाहित हो रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा का पानी अब बाबूपुर मोड़ NH पर 2 फीट से ऊपर बहने लगा है। भागलपुर कहलगांव मुख्य सड़क पथ पर अभी करीब 5 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है और लोग नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर दिख रहे हैं। सबौर के बाबूपुर मोड़, घोसपुर के समीप और खनकित्ता चौक से ममलखा तक NH80 पर बाढ़ के पानी का काफी तेज से बहाव हो रहा है। इस दौरान जान जोखिम में डालकर पैदल और साइकिल से आवाजाही करते दिखे परेशान लोग। अब तक जिला प्रशासन के द्वारा NH को बचाए जाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से नाराज भी दिखे। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को उचित सहायता दिए जाने की बात कही। बाबूपुर से रोड ले कितना पानी चाहिए? पानी भरी छे। कितना दिन के बाद पानी देख लो?
16 महिलाओं है, फिर 21 महिलाओं से। ये भागलपुर सबौर रोड NH-80 है, लैलक रोड जाने वाली। कितना पानी है यहाँ? पानी लगभग रोड पे 2 फीट, रोड पे 2 फीट के आसपास है। बाबूपुर है, बाबूपुर मोड़ सबौर भागलपुर मेन सड़क। कितना पानी है? कितना पानी भर रहा है? एकदम फैना भर दो, 2 फुट पानी है घर में, तो कमर भर पानी है। बहुत परेशानी हो रहा है सर। कितना पानी था रोड पर? ऑलमोस्ट 2 फीट था लगभग। कौन सा रोड है ये? सबौर भागलपुर। इन दिनों भागलपुर जिले के कई प्रखंड बाढ़ की मार झेल रहे हैं और बाढ़ से विस्थापित लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत शिविर में रखा जा रहा है। लेकिन सबौर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन खनकित्ता में रह रहे प्रखंड के कई गांव के बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत शिविर में किए गए भोजन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें सिर्फ एक बार भोजन दिया जा रहा है और भोजन भी स्वादिष्ट और सुपाच्य नहीं है। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के द्वारा अब तक बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी सहायता नहीं पहुंचाए जाने की बात करते हुए आक्रोश भी व्यक्त किया है। इस दौरान नाथनगर से राजद विधायक अली असरफ सिद्दीकी खनकित्ता स्थित बाढ़ राहत शिविर पहुंचे और पूरे शिविर का मुआयना करने और बाढ़ पीड़ित से उनका हाल जानने के बाद विधायक ने राहत शिविर को सरकारी खानापूर्ति बताते हुए इसी सरकार के द्वारा भागलपुर के जिलाधिकारी को बदनाम करने की साजिश करार दी। ये के बार खेते बच्चा चलता है 12 बजे खेते खाना लोग ये 12 बजे तो है खा से यार एक बार कम मिले से खाना नाश्ता नहीं मिले से नहीं कुछ ऊपर व्यवस्था नहीं वहाँ भी तो एक नहीं खाना मिले यार हमने घर घर डूबी मसीर लो जिस तरह से मन की चाहे जो पन्नी ने दे लो से ला चाहे छे यहां सब बाल बच्चा के लो छे पन्नी ने दे छे जी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है जी और सरकारी खाना पूरी है यहाँ जी और डीएम साहब को बदनाम करने का पूरा साजिश है पटना सरकार का जी। अंग प्रदेश का लोकपर्व बिहला विसरी पूजा भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश में काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन कोविड संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भक्तों के लिए पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर वर्ष चंपानगर स्थित बिसरी मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु डलिया चढ़ाने काफी दूर से आते थे। नाथनगर के चंपानगर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में मां बिसरी का पूजन वैदिक मंत्रोच्चार और हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें यह पूजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को मनाया जाता है। इसको लेकर पारंपरिक तरीके से एक माह पहले ही मंदिरों में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। वहीं सरकार द्वारा जारी COVID-19 गाइडलाइंस के साथ दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूजा किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी के द्वारा निष्ठापूर्वक दूध लावा और डलिया चढ़ाकर पूजा अर्चना किया गया। मंदिर परिसर में आम भक्तों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगी रही। कलश स्थापना के दौरान मां विसरी की गाथा पर आधारित गीतों से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा। मंदिर के पुजारी संतोष कुमार झा ने बताया कि हर बार मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता था, लाखों की संख्या में भक्त डलिया चढ़ाने यहां आते थे। लेकिन इस बार COVID-19 को लेकर भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश पर पूर्णतः रोक है। साथ उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में काफी दूर दराज से भक्त मां की पूजा अर्चना को यहां पहुंचते थे। पूजा का मान्यता हर वर्ष की भांति पूजा तो हो ही रहा है, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार से पूजा हो रहा है, सिर्फ संस्था के द्वारा पूजा हो रहा है और आम भक्तों के लिए पूरा मंदिर पट बंद है, सिर्फ नियमित पूजा पाठ किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति जिस तरह से मेला वगैरह होता था उसे सब चीज बंद है, सिर्फ पूजा अर्चना किया जा रहा है। पुरोहित होने के नाते पुरोहित के द्वारा पूजा हो रहा है और हमारे संस्था के द्वारा पूजा पाठ कराया जा रहा है। पीरपैंती प्रखंड का दियारा क्षेत्र इन दिनों बाढ़ का दंश झेल रहा है। लोग अपने मवेशियों के साथ ऊपरी इलाके की तरफ पलायन कर रहे हैं। लोगों को नई जगह पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब रुक रुक कर बारिश होने लगती है। लोगों को नई जगह पर सर छुपाने की भी परेशानी होती है, जिसके मद्देनजर प्रखंड कार्यालय में विधायक ललन कुमार ने विभिन्न पंचायतों के 14 लोगों को पॉलीथीन वितरण किया और बाकी अन्य जरूरतमंदों की सूची बनाकर जल्द से जल्द पॉलीथीन देने का अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही जो लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे इलाकों में नहीं जाना चाह रहे हैं उन लोगों से अपील भी किया कि वे लोग बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राहत शिविरों में आ जाए, वहां उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, उनको लाने के लिए नाव की व्यवस्था भी कर दी गई है।